नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि टेक्स्ट टू स्पीच एक एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें कि आप अपनी टेक्स्ट को वॉइस में कैसे बदल सकते हैं और उसके यूज के बारे में बताएंगे, और उससे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपने वॉइस को ऑडियो के रूम में। तो दोस्तों, एक ऐसा एप्लीकेशन का वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सर्च बार में जाकर टेक्स्ट टू स्पीच को सर्च करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने टेक्स्ट टू स्पीच को सर्च कर लिया है। तो दोस्तों, चलते हैं हम हमारे एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पर आ चुके हैं, जिसे हमें डाउनलोड करना है। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा फिर दोस्तों, फिर आप इसको इंस्टॉल कर लेना। तो दोस्तों, हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल भी कर रखा है। तो दोस्तों, चलते हम टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों, हम टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ से आप अपने टेस्ट की स्पीड भी बड़ा या कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे आप पिच कर सकते हैं, यहाँ पर आप वॉल्यूम को बढ़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों, आप अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी वॉइस को 5 प्रकार दे रखें दोस्तों, यहाँ से चूज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लैंग्वेज के बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं दोस्तों आपको। यहाँ से आप एक कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर लो, इटालियन, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तानी, सही प्रकार की दोस्तों आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले से हिंदी चूज कर रखी है, तो हमारे यहाँ पर हिंदी रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसके बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं 5 प्रकार के, तो आप यहाँ पर कोई सा भी एक चूज कर लें। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप जो भी यहाँ टेक्स्ट लिखते हो उसे रिसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेव की सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ जैसे आपको किस फाइल में इसको सेव करना है। इसके अलावा दोस्तों, हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख जाते हैं। एक तो स्पीच का, एक सेव फाइल का जो डायरेक्ट आपकी गैलरी में जाके सेव होगा आपकी स्पीच, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और उसे स्पीच करके आपको सुनाते हैं कि स्पीच कैसे होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने टेक्स्ट डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर स्पीच करके आपको सुनाते हैं कि स्पीच में कैसी आवाज़ आती है। बड़ी चालाक है ये जिंदगी, हमें रोज नया कल देकर हमसे अपना आज छीन लेती है। तारांकन 1। बड़ी चालाक है ये जिंदगी, हमें रोज नया कल देकर हमसे अपना आज छीन लेती है। तारांकन 1। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर टेक्स्ट का वॉइस सुन ही लिया होगा, जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखकर उसको वॉइस भी कर सकते हैं, स्वयं भी सुन सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आपको टेक्स्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों आप इसे सेटिंग्स से जगह हटा भी सकते हैं और वापस इन ऑप्शन को वापस भी ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से स्पीच का ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसे अपने टेस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइस में बदलने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी टेस्ट टू स्पीच एप्लीकेशन को उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।